श्री लाल शुक्ल स्मृति इको साहित्य समारोह में उपस्थित आज के सम्मानित श्री शिवमूर्ति जी, हमारे इको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी जी, अभी डॉक्टर जयप्रकाश कदम जी ने शिवमूर्ति जी के साहित्य के बारे में जो चुनी हुई बातें बताई, इनसे ग्राम गरीब किसान और उनकी वास्तविकता क्या है, हम सुनते सुनते उनकी अनुभूति कर सकते थे। ऐसी अच्छी तरह से कदम साहब ने ये बात बताई है। हमारा इस समारोह को एक गौरव बनाता है कि हमारे बीच ममता कालिया जी की उपस्थिति इस समारोह को भी सम्मानित करती है। मंचस्थ महानुभव साहित्य की रुचि से जुड़े हुए सम्मानित यहाँ उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनने वाले सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज साहित्य क्षेत्र में जब से मीडिया टीवी में जिस तरह से जोर लग रहा है और इनमें रुचि कम दिखाई दे रही, इसी स्थिति में भी लखनऊ तो एक स्थिति अलग है क्योंकि शुरू से लखनऊ साहित्य कला संस्कृति से जुड़ी भूमि है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। श्री लाल शुक्ल जी की स्मृति में इफ्को ने एक साहित्य समारोह जो शुरू किया है, अवार्ड देने का जो शुरू किया है, 11वां समारोह सहकारिता के सिद्धांतों में एक सोशल ऑब्लिगेशन, समाज के विविध क्षेत्रों में सहकारिता योगदान देती है। तो साहित्य क्षेत्र में कम ही लोग होंगे जो साहित्य के सिवा के क्षेत्र में काम करते हुए साहित्य में पूर्ण रूप से रस लेके उनको सुरक्षित, उनकी संवर्धना और उनके माध्यम से समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम जो होता है, उनको मदद करना जो इको ने किया है, इसलिए हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इको सिर्फ साहित्य क्षेत्र में नहीं, किसानों के लिए तो काम करती है संस्था, और ठंडी के दिनों में गरीब लोगों को कंबल काम करता है। इस कोरोना में पूरे देश में जहाँ ज़रूरतमंद लोग थे उनको किचन के लिए किट भी बांटा है, जहाँ जो ज़रूरत होती है इनके लिए इफ्को सदा ही देश में काम कर रहा है। लेकिन जोगानुजोग श्री लाल शुक्ल जी भी यहीं से इसी धरती के उभरे हुए थे और श्रीमान शिवमूर्ति जी भी इसी धरती से
एक कलम लेके पूरे देश के साहित्य जगत में लोकप्रिय बने हुए हैं। और इसी धरती पे आज वो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को के द्वारा उनका सम्मान हो रहा है। इस प्रसंग में लखनऊ तो आना जाना तो काफ़ी सालों से है, क्योंकि लोकसभा की 4 दफ़ा सदस्य रहा, तभी कहीं कमेटियों में। लेकिन ये बात सही है कि इफ्को के चेयरमैन बनने के बाद में, लेकिन चेयरमैन बनने के पहले 15 दिन पहले भी इफ्को यहीं में लखनऊ में आया था। हमारे किसानी अच्छी तरह से रामप्रसाद जी करते हैं, उनके खेत पे भी हम गए। किसानों के लिए जो बातें होती है और उनके उत्थान के लिए जो कार्य होते हैं, इनकी सही दिशा आईना साहित्य कार्य बता सकते हैं। क्योंकि बातें होना और वास्तविकता काफ़ी अंतर होता है, लेकिन साहित्य काव्य लेखन यहाँ जिस तरह से अभी कदम साहब ने बताया ना, उनकी चयन कैसे हुई, कोई व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया, व्यक्ति को नहीं देखा, उनके साहित्य में क्या है। जब साहित्य में क्या है उनकी स्थिति को देखते हुए साहित्य पसंद हुआ, और यह साहित्य का रचयिता कौन है, इनके माध्यम से उनकी चयन हुई। इतनी पारदर्शिता हम चाहते हैं, हर क्षेत्र में आए तो भारत की संस्कृति सही दिशा में, भारत का आध्यात्मिक जीवन सही दिशा में। इनमें भी आध्यात्मिकता है, व्यक्ति कितनी भी बड़ी है, इनके साहित्य में क्या दम है, उनका प्रभाव कितना भी हो, उनके रचयिता में क्या है, वो देख के जो पसंद किया है। मैं इसलिए चयन कमेटी के पूरे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, वंदन भी करता हूँ कि इसी स्थिति की दिशा में आपने सही दिशा में ये पसंदगी की है। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए शुरू से हमारा देश किसानी का देश है, हम बोलते हैं कि किसानों के उत्थान के लिए जो काम करना चाहिए, तो आज की स्थिति में और शुरू से भी सहकारिता के माध्यम से जितना किसानी का भला होता है, जितना काम होता है, शायद कोई और जगह होता होगा। इफ्को है, नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में हमारे होसी साहब ने बताया, लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइज बढ़ रहा था तो ये इफ्को है, किसानों के लिए 400 करोड़ का लॉस करते हुए भी किसानों को बोझ न लगे उनकी चिंता इफ्को ने की। ऐसी कई बातें कर सकते हैं, ये इसलिए कि सहकारिता है। सहकारिता ही के बारे में बातें में जब कदम साहब बोल रहे थे तब इनमें कई बातें आती थी, और सहकारिता से ही हो सकती है। उनकी कमेटी ने एक साथ जुड़ के अपने अपने 5 नाम 3 नाम इनमें से पसंद करना, साहित्य देखना। अभी कभी कमेटियां तो जो बनती है तो इतनी मेहनत करने के लिए जो आवश्यकता है वो आपने की है। और पारदर्शिता, सब लोग चाहते हैं कि सभी जगह पे पारदर्शिता हो, ईश्वर हमें हर क्षेत्र में जैसे इफ्को अपना काम पूर्ण रूप से सहकारिता में पारदर्शक करते हुए भी पूरी दुनिया में सहकारिता में नंबर 1 पे काम कर रहा है, देश के जीडीपी में पूरा योगदान दे रहा है, इसी स्थिति में साहित्य कला जगत
समाज को दिशा देता है, निर्देश देता हो और उनको एकजुट रह के अपने क्षेत्र में सुरक्षित करने के लिए भी काम करता है। इसी साहित्य से भवाई, इसी साहित्य से फिल्म, इसी साहित्य से नाटक, ड्रामा स्टेज पे करके समाज को एक दिशा निर्देश देता है। ऐसे साहित्य सर्जकों में श्री लाल शुक्ल जी को वंदन भी करता हूँ कि उन्होंने इतना साहित्य पिरसा है और इस साहित्य की वजह से आज पूरे देश में उनकी स्मृति कायम रही है। इस साहित्य के अनुरूप आज श्री शिवमूर्ति जी ने आगे बढ़ाया इसी धरती पे, वो अपनी कलम मजबूताई से कायम रहे और साहित्य सर्जक चालू रहे, उनको प्रभु शक्ति दे। इसी मेरी बात के साथ पुनः सबका धन्यवाद। वंदे मातरम।